उपनेता स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयानों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्वामी प्रसाद ने भाजपा पर आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद ने कहा है कि भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है, सरकार मौन है। एक वर्ग विशेष के लोग मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं। साधु के भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साजिश रच रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों की बात उठाई, अब मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को भी पत्र भेज दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को लखनऊ में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के बाद हनुमानगढ़ी अयोध्या के पुजारी राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई थी। स्वामी प्रसाद ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखकर शिकायत भी की थी। स्वामी प्रसाद ने कहा कि देश के धर्मचर्यागण जितना बहस मानस की संदर्भित चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं, यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को प्रतिदिन प्रताड़ित व अपमानित होने से बचाने के लिए करते तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता है।